हम लोग वहाँ उनके सामने अपनी टांगे बाहर निकालें और नीचे उतरे अच्छा नहीं है, इसलिए हम यहाँ चलते जाएंगे। तो सारे नेता आईएएस आईपीएस ऑफिसर चलते चलते आए 5 मिनट के रास्ते पर, और उन्होंने जाके हमारा ज्ञापन लिया, हमारे साथ बात किया। उन्होंने कहा, मुझे एक आदमी ने कहा जो चौधरी स्वयं एक है, मावजी भाई चौधरी, कि ये मंत्री ऐसा बोल रहे थे कि उनके सामने हमारे पाँव बाहर नहीं निकलने चाहिए, हमारे भीतर लोग क्या देखेंगे, हमारे अंदर कौन सा व्यक्तित्व है, लोगों को प्रभु के पास लाना है ना, हमारा व्यक्तित्व बदलना चाहिए, हमारे चेहरे की शक्ल बदल जाना चाहिए। और ये जब हम परमेश्वर की इच्छा के ज्ञान से भर जाएंगे और परमेश्वर के ज्ञान में बढ़ते जाएंगे, हमारी शक्ल भी बदलती जाएगी। कोलोस्य की पत्री में सिखाती है कि सुसमाचार केवल दिल में कहीं छिपा हुआ नहीं है, सुसमाचार ऐसा है जो एक व्यक्तित्व को जन्म देता है और उस व्यक्तित्व को पूरा संसार देखता है और परमेश्वर की महिमा होती है। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। परमेश्वर अपने वचन पर आशीष दे, प्रकाशन की नई बातों को प्रभु हमें नए रूप में समझाता रहे, उसके अनुसार हम जीवन बिताएं और हमारे आसपास रहने वाले लोगों के लिए हम आशीष का कारण ठहरे। हम सब खड़े हो जाएंगे प्रार्थना के लिए, लेट अस स्टैंड एंड प्रे। एवरीबडी क्लोज योर आईज प्लीज, नो नॉइस, नो नॉइस, आवाज नहीं, बिल्कुल मुंह बंद, और सब लोग प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर पिता, मुझे तेरी इच्छा के ज्ञान से भर जाना है और तेरे ज्ञान में बढ़ते जाना है। दो प्रकार का ज्ञान, परमेश्वर की इच्छा का ज्ञान, टू काइंड्स ऑफ नॉलेजेस, वन द नॉलेज ऑफ द विल ऑफ गॉड, नंबर टू द नॉलेज ऑफ गॉड, परमेश्वर का ज्ञान। एक नया चरित्र हमारे भीतर आवे, पुरानी बातों को हम पुराने कपड़े के समान, पुराने जर्जरित वस्त्र के समान उतार फेंके और प्रभु यीशु मसीह को नए रूप में हम पहन लें। लेट अस रिमूव दैट ओल्ड वर्न गारमेंट ऑफ अवर पर्सनालिटी दैट वी हैव बीन क्लिंगिंग ऑल दिस इयर्स। लेट अस पुट ऑन क्राइस्ट इन ए न्यू वे, दैट द इमेज ऑफ क्राइस्ट may be created in us and people may see Jesus kind character in us, full of knowledge, wisdom, understanding and the power of God. अपने जर्जरित पुराने प्रतिभा, पुराने स्वभाव और पुराने व्यक्तित्व के उस वस्त्र को उतार फेंके, प्रभु यीशु मसीह को नए रूप में पहन ले, कि लोग हमारे भीतर मसीह को देख सके, मसीह की पवित्रता, मसीह की सामर्थ, मसीह का अभिषेक, मसीह की नम्रता देख सकें और वो देख कर लोग खींचे चले आए और परमेश्वर पिता को महिमा मिले। थैंक यू जीसस। सब लोग प्रार्थना करें मेरे पीछे पीछे, हे परमेश्वर पिता, मैंने तेरे वचन को सुना है, केवल सुना ही नहीं परंतु ग्रहण भी किया है, और मैं तेरी इच्छा के ज्ञान से भर जाना चाहता हूँ, तेरे ज्ञान से, तेरे ज्ञान में आगे बढ़ना चाहता हूँ। मुझे अनुग्रह प्रदान कर इस प्रकाशन को ज़्यादा स्पष्ट करके मुझे दे, ताकि मेरे भीतर एक नया चरित्र, एक नया स्वभाव, यीशु के जैसा मन, यीशु के जैसा स्वभाव, यीशु के जैसा चरित्र निर्माण हो और तेरे नाम की महिमा हो, यीशु के नाम में, आमीन। परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं तेरे वचन के लिए, हम धन्यवाद देते हैं प्रियजनों के लिए, धन्यवाद देते हैं कुल कलीसिया के लिए, धन्यवाद देते हैं तेरे वचन को उन्होंने केवल सुना ही नहीं है परंतु जैसे उन्होंने मुंह से अंगीकार किया वैसे ग्रहण किया है। और मैं प्रार्थना करता हूँ इस वचन की और गहनता में उन्हें ले जाओ और वे परमेश्वर की इच्छा के ज्ञान से भर जाएं, परमेश्वर के ज्ञान में आगे बढ़ें और इफ्रास के समान भिन्न भिन्न स्थानों में जाकर अपनी गवाही की सुगंध के द्वारा
परमेश्वर के वचन के ज्ञान की सुगंध के द्वारा कई लोगों को, जाति जाति के लोगों को प्रभु के पास लाने पाए और शहर में कई क्षेत्रों में कई जगह पर विशालतम कलिसियाओं की स्थापना हो। इफिसुस नगर में जैसे कहते हैं कि 600 कलिसियाएं थी, वैसे कई स्थानों पर आराधना भवन बने, बड़े बड़े स्टेडियम्स में तेरी आराधना के लिए जाति जाति के लोग धारा के समान चले आने पाए। एक एक विश्वासी, एक एक भाई बहन, एक एक युवा, युवती, बालक तेरी आत्मा में बढ़ जाए, प्रबल हो और तेरे लिए बड़े बड़े कार्य करें, तेरे नाम की महिमा होने पाए।